नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाल ही में गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया था, जिसके बाद गूगल ने कहा है कि हम किसी भी गैम्बलिंग ऐप का समर्थन नहीं करते हैं। गूगल ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया था। इस पर गूगल ने कहा कि वह किसी भी गैम्बलिंग ऐप का समर्थन नहीं करता है। जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्रवाई की गई है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा कि हम ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देते हैं, हम किसी भी ऐसे ऐप का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी उपभोक्ता को किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता हो। अगर कोई ऐप किसी ऐसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नगद पुरस्कार जीतने के लिए किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और ऐसा करना गूगल नीतियों का उल्लंघन है। वही पेटीएम ने कहा कि हमने हाल ही में अपने कंज्यूमर ऐप पर पेटीएम क्रिकेट लीग को लॉन्च किया था। ये गेम ग्राहकों को क्रिकेट के प्रति जुनून में इंगेज होने और कैशबैक जीतने के लिए था। इस गेम के तहत यूजर्स हर ट्रांजैक्शन के लिए खिलाड़ियों के स्टिकर्स प्राप्त करते हैं। इसे कलेक्ट करने के बाद उन्हें कैशबैक मिलता है। पेटीएम ने ब्लॉग में आगे लिखा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि पेटीएम पर ये एक्टिविटी नियमानुसार है। हमने अस्थायी रूप से कैशबैक कंपोनेंट को ऐप से हटा दिया ताकि गूगल की नीतियों का उल्लंघन ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।